सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हमारे देश में पति को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जिस पति ने पति को पति का धर्म नहीं निभाया, पत्नी ने पति को भगवान का दर्जा तो दिया, सम्मान तो दिया, वही पति उसको तालिबानी सजा दे दे तो उस ईश्वर की आराधना करी जाएगी? क्या उसे सम्मान दिया जाएगा? ये मुनासिब तो नहीं। ऐसा ही एक सनसनीखेज वारदात ताज नगरी से सामने आई है, जहां पति और पत्नी के रिश्ते कुछ अलग ही रूप लेते नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पत्नी को पति देता रहा तालिबानी यातनाएं, पत्नी को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, जमीन पर घसीट घसीट कर डंडे से मारा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। ताज नगरी में एक पत्नी की गलती बस इतनी कि पत्नी ने आए दिन पति की मारपीट से तंग आकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे गुस्साए पति ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया। पति ने कानून को ताक पर रख कर अपनी पत्नी को खंभे से बांध कर डंडे से पिटाई करने लगा। इतना ही नहीं, पत्नी को डंडे से पीटते हुए रोड पर घसीटने लगा और आसपास के लोगों ने जब इसकी खिलाफत की तो उनसे भी उलझ गए। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने मायके में सूचना दी तो भाई ने आकर महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। भाई हूँ, ये मैं कुष्मा देवी का भाई हूँ। ये मेरी बहन के साथ इतनी मारपीट करते हैं ससुराल वाले, पहले भी दो चार महीने चार छह बार मारपीट की है, और अगली बार उसको बीवी के खंभे से घर में बांध कर उसकी सास ने और सास जेठ ने और उसके आदमी ने अंदर पिटाई की और फिर बाहर निकाल के लट्ठे से बांध कर पिटाई की। तो हम ये चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और जो न्याय मिले और उनको गिरफ्तार किया जाए। अक्सर हमने देखा होगा कि महिलाओं को इस तरह की न जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कुछ महिलाएं सब कुछ सहकर चुप रह जाती हैं, पर इनमें से कुछ तो ऐसी होती हैं जो आवाज तो उठाती हैं, पर उन्हीं के परिवार वालों की तरफ से उन्हें चुप करा दिया जाता है। यही हुआ सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव और सेना की कुष्मा के साथ। कुष्मा सालों से अपने पति की यातनाएं झेलती आ रही, और जब कुष्मा ने आवाज उठाई तो उसके निर्दयी पति ने उस पर डंडों से कहर बरपाया, खंभे से बांध कर बेरहमी से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक कुष्मा के ससुराली जन भी उसके ऊपर आए दिन जुल्मों का कहर बरपाते रहते हैं। आए दिन कुष्मा के साथ मारपीट करना, इसके अलावा गाली गलौज भी करते रहते हैं। हमें सास ससुर देवर जेठ और मारा आदमी सिर्फ हमें मारते हैं और मार के हम एक बहुत की कह बहुत हम मार चुके हैं। अब हम रनकता पहुँचे पुलिस के दिखा, दो तीन घंटा हम बैठे तो हम पुलिस को लिवा के ले गए। फिर हम इन्हें कही जाओ तुम नहीं कोई कह चुकेगा तो हम यानी कि हमें मारेंगे, तो हम फिर गए लिवाएंगे तो हमें जाए कि नहीं वे डरियाई सोई। फिर पुलिस डोली कि नहीं डरियाई सोई, हमने मार लगाई पुलिस को जलाएगी। फिर सिकंदर घर में फिर मार लगाई, फिर बाहर खींच के हमें लट्टा से मार लगाई। अब इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने नारी सशक्तिकरण जैसी कई योजनाएं चलाई हैं। देखना ये होगा कि क्या ये योजनाएं जिंदगी से हार मान चुकी महिलाओं को नया सवेरा दे पाएंगी। क्या कुष्मा के पति की हैवानियत के लिए पुलिस प्रशासन सजा दे पाएगा? फिलहाल पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति श्याम बिहारी और महिला की सास बर्फा देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है।
तो देखा आपने किस क्रूरता के साथ पति अपनी पत्नी को मारता हुआ नजर आया। तालिबानी सजा, जिसके बारे में सोच के भी इंसान की रूह कांप जाए। जहां पतियों को इतना सम्मान दिया जाता है, तो वहीं पति किस तरह से व्यवहार करता हुआ नजर आया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस